वो औरतें जो कमज़ोर हो चुकी हैं या फिर बच्चे के पैदाइश के बाद औरतों में काफ़ी जिस्म में कमज़ोरियां पैदा हो जाती हैं, वो औरतें या फिर लेकोरिया की वजह से औरतों में होने वाले जो भी मसाइल होते हैं उनके लिए, या फिर जिन औरतों का जो चेहरे की रंगत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है या हड्डियों का रोगन ख़त्म हो चुका है जिससे में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इन तमाम मसाइल के लिए ये दवा किसी आब हयात से कम नहीं है। एक हफ़्ता में ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर औरतें भी चुस्त और तवाना हो जाती हैं, चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता है। जिन औरतों का पेट बड़ा हो जाता है बच्चे की पैदाइश के बाद, वो भी इसके मुतवातर इस्तेमाल से अस्पताल पर आ जाता है। जिन औरतों के पास औलाद नहीं, इनके लिए भी आब हयात का काम करता है और औरतों की बच्चादानी साफ़ हो जाती है, औरतों के तमाम जिंसी मसाइल बिल्कुल हल हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से जिस्म का ढीलापन ख़त्म हो जाता है, चेहरे के धब्बे और शाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, औरतों की बच्चादानी में अंडे बनना शुरू हो जाते हैं और रिलीज़ भी होना शुरू हो जाते हैं। औरतों के लिए किसी सोने से कम नहीं है ये दवा, और दिल को भी ये दवा बहुत ताकत पहुंचाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नुस्खा की तरफ। कुश्ता चांदी 3 ग्राम, कुश्ता मरजान 3 ग्राम, कुश्ता अबरक 3 ग्राम, ज़ाफ़रान 1 तोला, खशखाश 6 तोला, बड़ी इलायची 5 तोला और बजरा बेख 5 तोला, बोधीदान 4 तोला, बोफली 3 तोला, मगज़ बनौला 3 तोला, अजवाइन खरासानी 10 तोला, तुखम काहू 6 तोला, रीठा 5 तोला, आमला 6 तोला, निशास्ता 6 तोला और तुखम रिहान 5 तोला, हरमल स्पंद 6 तोला और पनीर डोडी 3 तोला और फरायर बूटी 3 तोला, अकर करहा ईरानी 3 तोला, कीकर की गूंद 2 तोला, जलवत्री 2 तोला, आंबा हल्दी 1 तोला, जरवार खताई 3 तोला। तरकीब अभी जो है कि सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, जो चीज़ें पाउडर नहीं है उनको पाउडर कर लें, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें, संभाल कर रख लें। 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करें और साथ कोई भी पकी वगैरह या इस सब गोल के छिलके का दूध के साथ इस्तेमाल रखें ताकि पेट में कब्ज़ पैदा ना हो। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आप दवा के असर देखने शुरू कर देंगे।